बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसू कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में ना ही ब्रेड क्रम्स डालेगा, ना अंडा डालेगा, ना ही इसमें चिकन इस्तेमाल होगा। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हमने इसका बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना। जब ये फ्राई होने लग जाए, उसमें से बहुत ही अच्छी से खुशबू आने लग जाए, तो हमने इसका ना पानी ऐड कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो भी बहुत प्यारा सा आ गया है। तो अब हम इसके अंदर 1 और आधा ग्लास पानी का ऐड कर देंगे। अभी हमने इसके अंदर और भी मसाले ऐड करने हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। जब पानी पे बॉईल आ जाए तो हमने इसके अंदर मैदा ऐड कर देना है। तब आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है, तो हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। मैदा यहाँ पर हमने 1 कप लिया है और ये 125 ग्राम है। जब ये आटा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करनी है। इसे मिक्स करने में हमें तकरीबन सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं। इसे मिक्स करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डो रेडी हुआ है। तो यहाँ पर हमने 3 आलू लिए हैं। हमारे आलू छोटे थे, अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप 2 पीस ले लें। तो अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। हमने इसे हाथों से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, ना किसी चम्मच से इसे मैश करना है। हमने इसे सिर्फ कद्दूकस से ही मैश करना है। अगर आप इसे किसी चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से मैश करेंगे तो इसके अंदर आलू की गुठलियाँ रह जाएंगी। तब हमने इसे अच्छे से कद्दूकस कर दिया, तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में यहाँ पर हम 1 टीस्पून चाट मसाला लेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने टेस्ट किया था तो हमें नमक थोड़ा कम लगा, इसलिए हम नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। चाट मसाले की और गरम मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर की हुई है, आप उन रेसिपीज को भी ज़रूर वॉच करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। जब तक मैं डो को नीट कर रही हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो डो जो है हमारा रेडी हो गया है, इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, बहुत ही मुलायम हमारा डो जो है रेडी हुआ है। तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लिया है, आप कोई सा भी शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो मौजूद हो। तब हम इसके ऊपर डो रखेंगे और इसके ऊपर दोबारा से प्लास्टिक का शॉपिंग बैग रखेंगे और फिर इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से बेल लिया है, तो हम इसके ऊपर से प्लास्टिक बैग उठा लेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी शेप बना सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप राउंड शेप बनाएं, स्टार शेप बनाएं, हर्ट शेप बनाएं, जो सी मर्जी शेप बना लें। आप जो उनसे भी शेप यूज़ करें, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है, ताकि डो जो है वो स्टिक ना हो मोल्ड के साथ। आप चाहें तो डो में हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 टाइप की बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं हर्ट शेप, दूसरे हम बना रहे हैं राउंड वाले बॉल और तीसरे हम चीज़ बॉल बना रहे हैं। तब हमने हर्ट शेप दे दी है, तब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ईजिली जो है हमारी हर्ट शेप रेडी हो गई है। इसी तरह ही हम बाकी के शेप भी रेडी कर लेंगे। मैंने अपने चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर की हुई हैं, आप उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर वॉच करें। आप देख सकते हैं कुछ हर्ट शेप जो है वो नीचे प्लास्टिक बैग के साथ चिपक गए हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने इसे बहुत ही हल्के हाथों से निकाल लेना है। और अगर इसके कॉर्नर थोड़े से रफ है तो आप उन्हें हाथों की मदद से सेट कर लें। ये जो बाकी का डो बचा है, इसे हम दोबारा से यूज़ करेंगे, बेल लेंगे और इसकी राउंड शेप बना लेंगे। तो अब हमने सारी हर्ट शेप रेडी कर ली है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। रेसिपी में आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपका ऑयल जो है अच्छे से हॉट हो।
अगर आपका तेल सही से गर्म नहीं होगा तो इस तरह आपकी रेसिपी, आपका टाइम, आपका मेहनत, आपके पैसे सब ज़ाया चले जाएंगे। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी दिखा दूंगी। आपने वीडियो का लास्ट सीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसे लाजमी वॉच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे टेस्टी स्नैक जो है वो रेडी हो गए हैं, तब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तब हम बाकी के बोल जो हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तब हम बाकी के भी स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है, तो हम इसे भी डिश आउट कर लेंगे। तो अब हमारे सारे स्नैक्स जो है वो रेडी हो गए हैं, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अब मैं आपको अंदर से चीज़ बॉल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी हमारा चीज़ बॉल जो है रेडी हुआ है। आप इसे केचप के साथ लगाएं, शक्ते के साथ लगाएं, मायोनीज के साथ लगाएं, जिस मर्जी चीज़ के साथ लगा के खाएं, इसका टेस्ट जो बहुत ही आला और बहुत ही लाजवाब होता है। तो अब मैं आपको एक स्नैक अंदर से भी दिखा देती हूँ। आपने इसे ओवर फ्राई नहीं करना वरना ये ब्लास्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लास्ट हो रहे हैं। आपने इसे बनाना है तो बहुत ही एहतियात से बनाएं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे आप लास्ट में कमेंट्स बताना कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टाटा बाय। बस यू। अल्लाह हाफिज़।